जिला बटाला दे विच अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आईलैंड सेंटर विच गोली चलन की चर्चा अजे खत्म भी नहीं हुई सी कि बटाला दे हाथी गेट के बाहर छज्जू राम प्रॉपर्टी डीलर की दुकान के बाहर दो मोटरसाइकिल सवार ने अंधाधुंद गोलियां चला दित्तियां। इस वारदात दे विच किसी दे जानी नुकसान तो नहीं होया, पर दुकान के शीशे से गोलियां लगन के कारण दुकान के सारे शीशे टुट गए। इस तो बाद मौके उत्ते पुलिस पहुंच गई है, मामले की जांच कर रही है। उधर दुकान के मालक ने घटना की जानकारी दिंदे हुए कहा कि उसके बेटे नूं कुछ दिन पहला फोन आया सी कि 10 लाख फिरौती देवे। उन्होंने कहा कि असी इस संबंध दे विच SSP बटाला नूं दरखास्त भी दित्ती सी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अज शाम साडी दुकान ते दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोलियां चला दित्तियां ते मौके तों फरार हो गए। आओ सुनदे हां दुकान के मालक छज्जू राम ने की जानकारी सांझी कीती। छज्जू राम जी, प्रॉपर्टी का काम है जी साडा, बाकी 5:10 काम होया जी। मैं खाना खान गया हैगा तो मेरा एक मुंडा से अपना बच्चा ही है नौकर सागर, वो सीगा एक मेरा मुलाजम वो सीगा, बस आया तो 4 गोलियां चला के चले गए। अपन नहीं वेखे, स्पलेंडर मोटरसाइकिल स्पलेंडर सीगा, CCTV ने चेक किया जी, स्पलेंडर मोटरसाइकिल आया जी, तो 2 लड़के आए बस। कोई रंजिश नहीं आई, तो कोई 10-15 दिन पहला मेरे काके को फोन आया हैगा कि इस तरह रुपया 5-10 लाख रुपया सानू चाहिए जी। फिर अभी SSP साहब को जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, हाँ जी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद SSP साहब कहते कोई नहीं, जो कार्रवाई इन्होंने बनती करांगे, पर नहीं की, नहीं की। मेरा काका गया है मनीष, वो कहते कोई नहीं, अभी टेस्ट करने बंदे टेस्ट हो गए हैं, पर हाल तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेवारी किसी की भी नहीं जी, रब के भरोसे चल रहा सारा पंजाब, कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं, कोई जगह मर गया कल फिर। उत्थे ही मौके पर चश्मदीद ने दसिया कि वह दुकान पर काम करता है, तो गोलियां चलाने वाले गोलियां चला के मौके तो फरार हो गए। आओ सुनते हैं मौके पर मौजूद चश्मदीद शिवम का की कहना है। 5:03 लागे छागेला टाइम है, तो मैं फोन चला रहा दो मिनट, तो बाहर ना अचानक आवाज आई, तो देखा तो बाहर ना गोलियां चला रहे गेट पर, मतलब 2-3 उन्होंने शॉट करते ही, तो मैं डर गया, तो मैं फटाफट अंदर चल गया, तो बाद चला के जो सारा गेट टुट गया वो चल गए नागे 2 जने। दोनों ने एक ने कैप पाई थी, पिछले वाले हुडी पाई थी, तो दोनों ने अपने आप में कवर किया था। नहीं, उस तो बाद फिर उन्होंने नाले एक 2 जने होर है गए ही अंदर, बिट्टू भाजी के नाल सागर ही जब काम करता था, 2 जने ही होर, तो मैं अंदर चल गया, फिर नाले उन्होंने कॉल की उन्होंने अंकल होने, फिर अंकल होनी आ गए। पता नहीं, क्योंकि मैंने तो है मतलब कि यही वीक हो, हाँ जी। संबंधित थाना इंचार्ज अमोलक सिंह घटना बारे दसते हैं कि इन्हों पहला ही धमकी मिली सी, पर फरौती की कोई कंप्लेट नहीं आई सी, पर पुलिस जांच कर रही है, पर अजे घटना वापर गई है, तो बयान दर्ज कर ले गए हैं। CCTV फुटेज खंगाली जा रही है, तो बाकी की जांच कर रहे हैं। आ सुनते हैं SHO अमोलक सिंह। 5:45 इतने घटना वापरी आ, हाथी गेट तो जरा बोधे की खूह में रस्ता जाता, उस उपर ना प्रॉपर्टी डीलर आ, सतपुर प्रॉपर्टी डीलर के नाँ से, मनीष उन्होंने मालिक का ना है, छज्जू राम से मनीष, उन्होंने शामी उन्होंने दुकान देते वो आप ध्यान नहीं सी, दो नौकर से उन्होंने, उदो आ दुकान पर फायरिंग करके गए ने, शीशे का गेट से टुटिया, 2 जने से मोटरसाइकिल के उपर, उन्होंने मूँह बदे ने, तो मोटरसाइकिल के उपर ने दोनों ने फायरिंग की है दुकान से, 5 तो 6 कॉल मिले ने सू, हाँ मैं हूँ ही पता लगा आने के इन्होंने को इन्होंने पहला राहुल को थ्रैट आया से किसी फॉरन के नंबर से, उन्हें कोई पैसे की मांग की 8-10 लाख रुपये, नहीं नहीं दरखास्त साढ़े कोई नहीं मिली, ना मैनू ये बारे कोई नॉलेज है। CCTV फुटेज के एक तो जिते आप इतने प्रॉपर्टी डीलर इतने भी बनी है, हूँ अगे पिछे अं पार्टियां भेजिया ने चेक करते हैं।